अभी हम चैप्टर 5 में कर रहे हैं, ठीक है? 5 क्या है? लॉ एंड इक्वालिटी, माने लॉ समानता। हां ठीक है। नियम बहुत तरह का होता है ना, स्कूल का नियम है और क्या नियम है, ट्रैफिक नियम और ऑफिस, ऑफिस। लेकिन मेन नियम क्या है? लॉ जो है, आई आई ना, जैसे कौन बनाता है ये लॉ? हाँ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है? तो गवर्नमेंट फिर नियम को फॉलो कौन करता है? तो ये सब पे अभी का बात करें, उससे पहले आते हैं एक स्टेट। स्टेट क्या होता है? राज्य, राज्य है ना? या स्टेट को मतलब स्टेट बेसिकली क्या है? राज्य। एक अगर जैसे जगह है उड़ीसा, जैसे जगह है उड़ीसा ही छोड़ो, यानी बरमपुर जैसा जगह है, छोटा सा ये स्कूल जैसा जगह है जिसका अपना एक सरकार है। यहाँ पे स्कूल में आपका क्या सरकार है? प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल लीडर है ना, तो यानी ये भी एक तरह से स्टेट है। तो वैसे उड़ीसा में कौन है सरकार? क्या है? नवीन पटनायक। कौन सा पार्टी? बीजेपी है ना। वैसे अब बीजेपी जो कितना पिछले चार बार से, चार टर्म 20 साल से राज कर रहा है ना, ठीक है? अब वहां से उड़ीसा से बाहर निकलेगा इंडिया, इंडिया पे कौन सा सरकार है? बीजेपी, नरेंद्र मोदी है ना। तो स्टेट बेसिकली, स्टेट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी राजनीतिक एक जगह या तो पार्टी जो एक जगह पे कंट्रोल करती है ना, जैसे बीजेपी इंडिया को अभी कंट्रोल, इंडिया का कानून बीजेपी के कंट्रोल में है ना। बीजेपी बताएगा कि कितना पैसा किस चीज को जाएगा, कितना पैसा एजुकेशन में लगेगा, कितना पैसा उड़ीसा को मिलेगा, कितना पैसा तमिलनाडु अलग राज्य को मिलेगा, ठीक है? और वैसे ही इंडिया भी एक स्टेट है, यानी कि एक राज्य जिसका अपना सरकार है, ठीक है? उड़ीसा भी स्टेट है। तो शुरुआत में यानी अभी से ही ऐसा स्टेट तो नहीं था, पहले क्या होता था, ये सब शुरुआत कैसे हुआ है पहले इस पे बात करेंगे। स्टार्टिंग कैसे हुआ होगा ये स्टेट का? अभी जैसे आप लोग वोट करता है ये सब होता है, हमेशा से तो ऐसा नहीं रहा होगा ना सिस्टम, पहले क्या सिस्टम था? हाँ राजा ये सब था, उससे पहले इंग्रेज ना सभी। अच्छा ठीक है, जैसे हम पहले बात कर रहे कि इंसान का शुरुआत क्या हुआ था अराउंड 2 लाख साल पहले अफ्रीका में है ना, जब सब ट्राइब के रूप में रहते थे है ना। ट्राइब क्या हो बेसिकली कि एक सिस्टम, एक लोगों का ग्रुप जहाँ पे कोई सरकार का सिस्टम नहीं है, कोई प्रॉपर ये सब सिस्टम नहीं, बस साथ मिलके लोग रहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप में। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे रह रहे हो, स्कूल नहीं है, टीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, बस इस जगह में आप लोग रह रहे हो, तो क्या होगा? एक तरह से ट्राइब हो गया है ना, कोई सेट सरकार नहीं कुछ नहीं, बस अपने में मिलके लोग रह रहे हैं, ठीक है? वो हो गया ट्राइब। तो यहाँ से ट्राइब से शुरुआत हो रहा है अफ्रीका में, धीरे धीरे फिर क्या होगा, लोग ट्राइब में क्या होता है, जैसे आप जंगल में रह रहे हैं शुरुआत में, 1000 साल पहले लोग जो रह रहा था, तो सब कुछ पेड़ तो एक आदमी का नहीं होगा ना, समझ रहे? आम का पेड़ है, उसमें आम आ रहा है, तो जितना भी अगर हम 10-20 लोग हैं यहाँ पे, कितना है 20 लोग है, तो हर कोई जब भी आम आता है कुछ कुछ अपने हिसाब से 5 आम 10 आम तोड़ के खाएगा है ना। धीरे धीरे क्या होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम आ गया, यानी निजी, हाँ निजी क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को, क्या बोलता है संपत्ति, निजी संपत्ति, कि आप बोलेगा कि नहीं ये पेड़ मैंने लगाया, इस पेड़ में जितना भी आम है वो मेरा है ना, वो पेड़ तुमने लगाया उसमें जितना भी आम तुम्हारा है, और इसके बीच में लड़ाई हो सकता है, अगर मैं तुम्हारे आम से पेड़ से आम उगा दूंगा तो तुम मेरे से लड़ सकता है ना। तो ये सब के चलते चलते फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक प्रॉब्लम आया कि अब इन चीजों का अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है, कि हम दोनों बोल रहे हैं ये मेरा पेड़ है, तो इस लड़ाई को सुलझाएगा कौन? तो एक कोई लीडर का जरूरत था है ना, और साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ क्या फैमिली भी बन गया है ना, कि मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, इनको मैं देखूंगा, बाकी तुम अपना बच्चे को देखो है ना। तो धीरे धीरे क्या है, लीडरशिप आ गया। अब लीडरशिप क्या है, या तो पुराने जमाने में क्या है, या तो रिलीजियस होता था, यानी पंडित टाइप का हुआ, या कोई देवता का एक आदमी होता है ना,
तो पहले या तो रिलीजियस लीडर हुआ धार्मिक, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गया जो राजा वाला सिस्टम आ गया, राजा रानी मोनार्की किंग क्वीन है। और किंग क्वीन वाला सिस्टम बहुत टाइम तक चला है, इंडिया में चला है, यूरोप में चला है, हर जगह। इंग्लैंड का राजा अभी भी, उनका तो अभी भी है ना पार्लियामेंट के अलावा, उनका इंग्लैंड का अभी भी क्वीन है ना, कौन है एलिजाबेथ। हाँ वैसे ही बाकी फ्रांस जर्मनी ये सब में पहले मोनार्क रहा है ना। अब धीरे धीरे क्या हो गया, फाइनली हम लोग मॉडर्न इसमें स्टेट पे पहुंच गए जहाँ पे क्या होता है अब ये राजा रानी जो है क्या होगा, नेक्स्ट राजा कौन बनेगा उसका पुत्र है ना। और ये राजा कैसे बना था, शुरुआत में शायद पावर ले लिया है तो अब उसके बच्चे भी बनते रहेंगे। अब मॉडर्न स्टेट में क्या होता है इलेक्शन, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मॉडर्न और पुराने जमाने। पुराने ये यहाँ से हम लोग इतना आए हैं फाइनली स्टेट पे पहुंचे जिसमें डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी यानी जहाँ पे आप अपना लीडर वोट करके बनाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ऐसे कोई लीडर बन जाता है उसका नेक्स्ट बच्चा बनेगा या उसका बच्चा बनेगा, नहीं आप वोट करते हैं ठीक है। और ये चीज होने में बहुत समय लगा है, कई हजारों साल तक बस हमेशा राजा रानी ही होते थे। ये सब कुछ ज्यादा से ज्यादा 200-300 साल पहले से शुरू हुआ है वोटिंग ठीक है। और काफी पहले तो यानी औरतों को वोट नहीं करने देता था, बस आदमी लोग जिनके पास प्रॉपर्टी है वो लोग वोट कर सकता था। जो ये जो सिस्टम है जो कि जिसमें हर कोई वोट कर सकता है, जितना भी नागरिक है एक देश का सब वोट करता है, वो बस कुछ 100 साल पहले से शुरू हुआ ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, जो ये जो मॉडर्न हमारे जो सरकार का सिस्टम में क्या डिफरेंस आया, पहले ट्राइब से लेकर धीरे धीरे राजा रानी वाला सिस्टम चला है जिसमें यानी जो आम जनता है उसके पास कुछ पावर नहीं है ना। अगर मैं राजा हूं मैं हमेशा राजा रहूंगा, मेरा बच्चा राजा बनेगा उसके बाद उसका बच्चा राजा बनेगा, आप लोग जो है हमेशा एक ही जगह पे रहेगा। अब मॉडर्न स्टेट में डेमोक्रेसी वोटिंग से क्या होगा, आप भी लोग इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, हो सकता है कल को आप प्राइम मिनिस्टर या लीडर या चीफ मिनिस्टर बन जाए, मैं हट जाऊंगा अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो आप मुझे हटा सकते हो। एटलीस्ट आइडिया ये है, प्रैक्टिस में नहीं होता है। जैसे नवीन पटनायक क्या आपको यानी आप लोगों का गांव में आपने पिछले 20 साल में कुछ काम देखा है, बहुत क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो 20 साल से जीत रहा है ना। तो असल में अलग बहुत कुछ पॉलिटिक्स में आपको पता है, राजनीति में पैसा ये सब बहुत करप्शन है, लेकिन आइडिया यही है कि डेमोक्रेसी का कि आप वोट करके अगर कोई काम नहीं कर रहे उसको आप हटा सकते हैं ठीक है। वो हटता नहीं है तो वो इस चीज पे बात करेगा कि एक चीज जो आइडिया होता है, आइडिया बहुत अच्छा होता है लेकिन प्रैक्टिस क्या होता है असलियत में, वो आइडिया कभी बार काम नहीं करता है ना। अच्छा इंडिया का, इंडिया का सिस्टम क्या है, ज्यादातर ये सिविक्स पढ़ा है आप लोगों ने, सिविक्स में सरकार के सिस्टम फेडरल, जैसे ज्यादातर इंडिया में दो टाइप का सरकार होता है आपने देखा हो, एक राज्य सरकार एक नेशनल सरकार है ना, सेंटर और स्टेट। जैसे कि आप अब हम बात किया स्टेट सरकार में कौन है अभी, नवीन पटनायक और बीजेडी, और सेंट्रल में ठीक है। इंडिया में कितना राज्य है, 29। हर स्टेट में क्या है अपना गवर्नमेंट है ना, अपना गवर्नमेंट है और अपना सीएम है चीफ मिनिस्टर, और ये सेंटर है जिसमें प्राइम मिनिस्टर है और उसके अपने अलग अलग मिनिस्टर है ठीक है। तो ये सिस्टम आप लोगों ने ये पढ़ा है कि स्टेट में क्या होता है। अच्छा ठीक है, विलेज से शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे विलेज होता है ना गांव, उसके बाद क्या आ जाता है पंचायत ब्लॉक, हाँ और हाँ तालुक तहसील, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और फिर स्टेट है ना ठीक है। तो विलेज तो ठीक है, पंचायत आपको पता है विलेज से ही इलेक्शन होता है वहां, देखो तो इंडिया में हर जगह इलेक्शन से ही काम होता है, पंचायत इलेक्शन होता है वो लोग इलेक्ट हो गए ठीक है पंचायत बन गया। ब्लॉक का तो ठीक है अभी ये पंचायत ये सब एग्जीक्यूटिव संभालता है, तालुक से डिस्ट्रिक्ट। स्टेट में क्या होता है एमएलए, क्या होता है एमएलए हाँ है ना। तो स्टेट जो इलेक्शन होता है उड़ीसा का नेक्स्ट इलेक्शन कब है, 2019 में, 2019 में ना। तो 2019 में क्या होगा फिर से स्टेट का जो जितना एमएलए है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली वो चुना जाएगा। कैसे इलेक्शन होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन होगा
और हर डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोग खड़ा होगा एमएलए के लिए, जो एमएलए बनेगा और वो लोग बेसिकली क्या होगा उस एमएलए का, जो अगर एमएलए इस इलेक्शन में मान लो बीजेडी फिर से जीतती है तो सीएम कौन होगा, उस बीजेडी का लीडर। तो यानी सीएम इसका जो भी पार्टी, जैसे एमएलए में मान लो यहाँ के उड़ीसा के पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बोलते हैं ना इस चीज को, पार्लियामेंट में अगर 100 सीट है, 100 सीट है, ज्यादा होगा शायद लेकिन 100 सीट है, उसमें से अगर बीजेडी को मेजोरिटी यानी 50 से ज्यादा सीट्स मिली, 50 से ज्यादा 51 सीट्स मिल गया तो सरकार किसका होगा, बीजेडी का। अगर 51 बीजेडी को मिला सरकार किसका होगा, बीजेपी का, ठीक है। तो मान लो 51 फिर से बीजेडी जीत जाता है तो बीजेडी का लीडर सीएम बन जाएगा, है ना, ठीक है। ऐसा चीज हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में, विलेज, पंचायत, ब्लॉक, सिटी, तालुक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। हिमाचल में जैसे अभी पार्टी मेजोरिटी पार्टी सबसे ज्यादा वोट है कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस का लीडर वीरभद्र सिंह वो सीएम है, ठीक है। अब वैसे ये जो कंट्री का है ये तो स्टेट वाला सिस्टम है ना, अब जो स्टेट, ये जो नेशनल इलेक्शन होता है, लास्ट नेशनल इलेक्शन कब हुआ था जब मोदी जीता था, 2014। अब ये अलग इलेक्शन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा इलेक्शन है, यहाँ पे एमएलए बनता है। इस वाले इलेक्शन में जो लोग जीतता है वो बनता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो अब इसमें क्या होगा, वैसे ही इलेक्शन होता है हर जगह से, उड़ीसा को फिर से पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाएगा, हर पार्टी से एक एक आदमी खड़ा होगा, जो जीतेगा वो क्या बन जाएगा, एमपी, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेशनल पार्लियामेंट में दो पार्ट है, क्या है, दो पार्ट, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा, है ना। तो ये जो इलेक्शन होता है ये लोकसभा के लिए होता है, ठीक है, राज्यसभा का भी बताऊंगा क्या होता है। लोकसभा में क्या है, लोकसभा इलेक्शन 2014 में हुआ था, अराउंड 545 सीट्स होता है, ठीक है, लोकसभा में पूरे इंडिया में ये डिवाइडेड है सबसे ज्यादा, हाँ लोकसभा ही मेन जो काम करती है इंडिया में, जो भी काम करता है लोकसभा करवाती है, लॉज भी बनाते हैं वो लोग। तो 545 सीट्स में से अब जिस तरह का पॉपुलेशन है वैसे डिवाइडेड होगा, जैसे यूपी में सबसे ज्यादा लोग है उत्तर प्रदेश में, तो 545 में से अराउंड 80-90 सीट्स तो यूपी का ही है, दिल्ली का 16 है, वैसे उड़ीसा का भी कुछ होगा, अभी मैं देखा नहीं, तो हर एक स्टेट का कुछ कुछ सीट्स है। तो उन सीट से जो जीतेगा वो क्या होगा, दिल्ली में लोकसभा पार्लियामेंट में बैठेगा, उड़ीसा का पार्ट लेंगे, यानी कि उड़ीसा का जो प्रॉब्लम है वो लोग दिल्ली में सेंटर के साथ बात करेगा। अब 545 में पिछली बार क्या हुआ, अराउंड 300 सीट्स बीजेपी जीत गया, तो बीजेपी का लीडर नरेंद्र मोदी बन गया प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब राज्यसभा का सीट क्या था, राज्यसभा में कुछ, हाँ राज्यसभा में हाँ 245, वो लोग कहां से, उसमें आप लोग वोट नहीं करता है, उसमें एमएलए लोग वोट करता है, एमएलए लोग बताएगा कि राज्यसभा में कौन कौन जाता है, ठीक है। तो आप लोग वोट कहां करता है, दो जगह करता है, एक स्टेट इलेक्शन के लिए एमएलए को बनाने के लिए करता है, पंचायत के लिए भी करता है, हाँ पंचायत, एमएलए इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा में ये लोग डिसाइड करते हैं एमएलए लोग, ठीक है। तो ये इंडिया का सिस्टम, इसमें आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आप पूछ सकते हैं इसमें कुछ अगर नहीं क्लियर है। वोटिंग कब से शुरू करेगा, वोटिंग कब से, किस एज से, 18 है, ठीक है। तो आप देख रहे सिस्टम जैसे हर चीज में होता है, सिस्टम हम लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है लेकिन वो चलता नहीं है कई बार, वो क्यों नहीं चलता इस पे हम बात में अभी बात करेंगे। तो इंडिया में ये डबल सिस्टम है, ठीक है, स्टेट का भी है सेंटर का भी है, तो कुछ कुछ चीजें स्टेट के अंदर आती है, कुछ कुछ चीजें सेंटर, यानी सेंटर क्या हो, लोकसभा है और ये स्टेट का गवर्नमेंट। तो जैसे एजुकेशन स्टेट में आ जाता है, नेशनल सिक्योरिटी, जैसे अगर कहीं पे नक्सल ये सब जो प्रॉब्लम है वो सब सेंटर, इन सब चीजों पे अगर ये सब प्रॉब्लम आते हैं तो सेंटर उड़ीसा में आके भी बोल सकता है कि नहीं तुम ऐसे बात करो, कुछ कुछ चीजें स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है, ये लोग चलाता है। अरे एक आपने पावर में ये पढ़ा होगा कि तीन चीजें होता है स्टेट में, तीन ब्रांच होता है, क्या क्या होता है,
उड़ीसा में उड़िया आपको शायद कम पता होगा, इंग्लिश में क्या होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लेजिस्लेचर है वो जो पार्लियामेंट, हाँ जो आपने पार्लियामेंट बेसिकली जो आपने 545 लोग एमपी लोकसभा में इलेक्ट किया है और दूसरा जो स्टेट इलेक्शन में एमएलए बनाए हैं, ये लोग है पार्लियामेंट। ये लोग क्या करते हैं, कानून बनाता है ना, इनका काम है नया नया, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ है अभी, जो पैसा 2000 का नोट आया है, जो 500 नोट बैन हो गया था का नोट, तो वो सब लेजिस्लेचर करते थे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या है, जो लोग उन कानून को क्या बोलते हैं चलाता है, जैसे पार्लियामेंट ने तो कानून बना दे कि अब से 500 का नोट नहीं लेगा या 1000 रुपए का नोट नहीं लेगा, लेकिन उस रूल को चलाएगा कौन, जो सरकार अभी पावर में है, पुलिस वाला, बैंक वाला, जो भी सरकारी काम करने वाला है, तो वो जो काम करने वाले लोग उनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। उसमें से आपका पीएम भी है, पीएम सबसे ऊपर आता है, जो लोग इलेक्शन होके जो लीडर अभी जो काम, ये तो देखो आप सब वोट कर रहे हैं 545 के, 545 लोग क्या है पार्लियामेंट में है, उसमें से जो मेजोरिटी 300 सीट वाले जो पार्टी है उनका सरकार है ना, भी वो पावर में है, उनका क्या काम है, सरकार का क्या काम होता है, रूल तो ये लोग बना दिया, ठीक है पार्लियामेंट, सरकार का क्या काम होता है, हाँ उस रूल को इम्प्लीमेंट करना, उस रूल को ताकि चले लोग माने उस रूल को। तो पीएम हो गया, पुलिस हो गया, सिविल सर्विस जो आपका डीसी, इलेक्टर सिविल सर्विस, आईएएस, ये सब है, और जुडिशरी क्या हो, फाइनली जुडिशरी क्या होता है, कोर्ट, जज, ये सब। तो तीनों का एक एक काम है, इनका काम क्या है लॉ बनाना, कानून बनाना, इनका काम क्या है कानून को चलाना, और इनका क्या काम है अगर कानून में कहीं प्रॉब्लम, हाँ अगर न्याय करना, अगर कानून चलाने में कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो ये लोग फिर बताएगा, तीनों अलग अलग पार्ट है, ठीक है। और चौथा एक और बोलते हैं, ऑफिशियली नहीं बोलते, चौथा बोलते हैं मीडिया। मीडिया क्या हुआ, न्यूज, हाँ इन लोगों का काम है इन तीनों के बारे में चेक करते रहना कि ये लोग अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा लेकिन एक बहुत सिंपल से बात करते हैं, इंडिविजुअल है इंडिविजुअल और सोसाइटी, इंडिविजुअल यानी अच्छा थोड़ा सा इंडिविजुअल क्या हुआ, इंडिविजुअल एक व्यक्ति, हाँ बोटे व्यक्ति कोई भी एक आदमी है, नहीं मैं इंडिविजुअल तुम इंडिविजुअल है ना, और सोसाइटी समाज। तो इतना सारा जो लॉज है, रूल्स है, नियम है, वो इंडिविजुअल क्यों माने, उसको क्यों मानना चाहिए, उसको तो आजादी चाहिए, मुझे होना चाहिए, मैं कहीं हाँ संतुलन नहीं रहेगा, जैसे तुम बोला। अब अगर कल को मैं बोलता हूँ कि मुझे क्या है सबको एक ही थप्पड़ मारना है तो नहीं चलेगा ना, बाकी लोग भी मारना चाहेंगे, तो ये संतुलन, इसी चीज को हम लोग एक बहुत पहले एक आइडिया लेते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट, ठीक है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट दो लेवल पे होता है, एक तो आप समझ गए ना, जैसे हर इंसान को अपना बहुत आजादी चाहिए, बहुत कुछ करना चाहता है वो, मेरा मन है कि मैं कहीं पे भी जाके अपना घर बना दूं, या फिर कोई भी जगह के कोई जगह अगर मुझे खाली बन रही है मैं उसका अपना नाम लगा दूं, है ना, लेकिन नहीं कर सकता। जैसे ये जगह आप लोगों का है, ये स्कूल का है, ग्राम विकास का है, कल को मैं आके बोल दूंगा यहाँ पे अपना नाम का फ्लैग लगा दे कि नहीं अब से ये शान का जगह है ना, नहीं हो सकता है ना ये चीज। वैसे ही कल को अगर आप जंगल में चला जाएगा और बोलेगा ये इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेस्ट नहीं है, मेरा फॉरेस्ट है, तो नहीं चलेगा ना ऐसा। तो और धीरे धीरे क्या होगा, लड़ाई चलते रहेगा, अगर
कल को जैसे आपके घर में आता हूँ, बकरी छेड़ी या चिकन है, बोलता नहीं मुझे ये चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भूख लग रही है, मैं आपका सारा चिकन उठा के ले जाऊंगा, नहीं चलेगा ना काम। वैसे क्यों आता है किसी के घर पे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, ये चेयर बहुत अच्छा है, मैं ले जा रहा हूँ। तो अपना आजादी सबको चाहिए, लेकिन आजादी को हम क्यों कंट्रोल कर रहे हैं, क्यों सरकार का मान रहे हैं, ताकि लड़ाई ना हो, संतुलन रहे, है ना। जैसे एक आपको क्या हार्म प्रिंसिपल, दो चीजें हार्म प्रिंसिपल भी, हार्म प्रिंसिपल का मतलब बेसिकली ये है कि आपका आजादी वहां पे खत्म होता है जहां पे दूसरे का आजादी शुरू होता है, समझे। इसका हाथ यहाँ तक जाता है, इसका जगह यहाँ तक है, ठीक है, मेरा हाथ यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आप मैं कुछ भी कर रहा हूँ अपने हाथ के साथ, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ना, आजादी है। अब इसका हाथ यहाँ पर आ रहा है, इसका जगह है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे करने लग जाऊं तो क्या होगा, इसको मैं मार रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ तक मैं चाहे जो कर रहा हूँ अपने हाथ के साथ ऐसे ऐसे, ठीक है ना, लेकिन अब अगर यहाँ पे इसका मैं ऐसे मार रहा हूँ तो गलत है ना। दोनों जगह में अपना कुछ कुछ कर सकता है, यही हार्म प्रिंसिपल बेसिकली। वैसे ही अगर जैसे स्कूल में आप यहाँ पे बैठे हम लोग, आप फोन पे गाना सुन रहे हैं, ठीक है, ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, जितना वॉल्यूम में सुनो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल आजादी है ना। लेकिन अगर वही गाना मैं फुल वॉल्यूम में बिना ईयरफोन के साथ स्पीकर में लगा रहा हूँ, तो उसमें बाकी लोगों को दिक्कत है ना, वो लोग को भी सुनाई देगा, वो शायद पढ़ना चाहता है, सुनना चाहता है। तो यही कि यानी आपका आजादी, आपका फ्रीडम वहां पे खत्म हो जाता है जहां पे किसी और का फ्रीडम शुरू हो रहा है, क्लियर ये, है ना। यानी हाँ यहाँ पे मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करने लग गया क्या होगा, थप्पड़ पड़ जाएगा इसको, है ना, तो ये नहीं कर सकता मैं, ठीक है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वही कि हम लोग यही सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट, सरकार को आप टैक्स क्यों दे रहे हो, सरकार की बात क्यों मानते हो, हाँ नहीं तो वो जेल में डाल देगा, है ना। लेकिन यानी आप उसको क्यों दे रहे हैं, ताकि सरकार भी तो आपका ख्याल रखती है कि कल को आपके साथ कुछ गलत हुआ, कोई आपके आपको चोरी कर गया या आपको मारा, तो सरकार आपको क्या करे, पुलिस से मदद कराएगी या फिर कोर्ट से मदद कराएगी, असल में करती है कि नहीं करती वो अलग बात है ना, लेकिन आइडिया तो ये है कि वो मदद करेगा आपका, है ना, इसलिए आप सरकार को टैक्स दे रहे हैं। वैसे ही कानून आप क्यों मान रहे हैं, जैसे कि फिर से मैं और दशरथी है, मैं मेरा एक फ्रीडम है कि मैं इसको मार सकता हूँ, है ना, और इसके पास भी फ्रीडम है, ये मुझे मार सकता है, लेकिन मैं इसको इसलिए नहीं मारूंगा, वो वाला मैं अपना आजादी छोड़ रहा हूँ ताकि ये भी अपना आजादी छोड़ दे मुझे मारने का, समझ रहे, मैं इसको नहीं मारूंगा, ये मुझे नहीं मारेगा, समझ रहे, यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। यानी मैं तुमको तंग नहीं करूंगा, तुम मुझे तंग मत करो, मैं तुम्हारी चीज नहीं लूंगा, तुम मेरी चीज मत लो, है ना। और इसी के चलते पूरा सरकार के साथ भी यही है कि मैं आपको टैक्स दूंगा, आप मेरी सुरक्षा कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, है ना। इसी चीज पे मॉडर्न ये चलता है सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में। सिटीजन क्या होता है, नागरिक, है ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान, ठीक है। अम्बेडकर का नाम सुने, बी आर अम्बेडकर, संविधान एक फिलॉसफी बोल दो या एक कुछ कुछ जो अम्बेडकर के आजादी से पहले, आजादी का मतलब 19 नहीं, आजादी नहीं, रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं, रिपब्लिक डे इसीलिए मनाते हैं हम 26 जनवरी 50 से, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान चालू हो गया था, ठीक है, एक्टिव हो गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन लोग बनाया था, अम्बेडकर के साथ और भी बहुत लोग थे, अम्बेडकर मेन आदमी था, उसके साथ साथ और भी कई लोग थे जिनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब हमारा पार्लियामेंट वगैरह ये सब कुछ नहीं बना था। तो जितना भी अभी मैंने आपको चीजें समझाया पार्लियामेंट के बारे में, एमपी एमएलए कानून जितना भी है, वो ज्यादातर सब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं कि इस देश में किस तरह का कानून बनेगा, किस तरह की सरकार होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है कि सरकार को
सरकार का लिमिटेशन, सरकार का पावर, सरकार का सिस्टम बता देगी किस तरह होगा। तो अभी से 50-60 साल पहले ये लोग बैठ के पूरा इंडिया का डिसाइड किया था कि कैसा सिस्टम होगा, कितना एमपी बनेगा, कितना एमएलए होगा, किस तरह से इलेक्शन होगा, ये सब कुछ ये लोग डिसाइड किया था, किस तरह का कानून होगा, है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जजेस किस तरह से काम करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यही काम होता है कि किस तरह से सरकार चलेगी, ठीक है, वो आपने बना दिया, किस तरह से इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में क्या रहे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलेगा, सब कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, ठीक है। और इसी से ही बाकी के कानून बनता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके बाद अब जितना भी आप कानून पढ़ रहे हैं कि मर्डर के अगर पनिशमेंट क्या होगा, चोरी का पनिशमेंट क्या होगा, डाउरी का पनिशमेंट क्या होगा, ये सब धीरे धीरे बाद में आया है। शुरुआत कहाँ से हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। जैसे प्रीएम्बल आप पढ़ेंगे, प्रीएम्बल एनसीईआरटी का किताब है आप लोगों के पास? एनसीईआरटी नहीं है, ठीक है, मैं उसे लाऊंगा, ये अगली क्लास में लाऊंगा, ठीक है। तो उसमें आपको बेसिकली बताएगा कि ये लोग किस फिलॉसफी के साथ इंडिया को बनाना चाहते थे। अभी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ एक बार, लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपने देश को हम इस तरह का देश बनाएंगे, बताते क्या, किस तरह का, सॉवरेन यानी शक्तिशाली, सोशलिस्ट यानी कि सामाजिक, सेक्युलर यानी किसी भी जाति या रिलीजन को कुछ वो नहीं मिलेगा, सब बराबर होगा, डेमोक्रेटिक यानी अपना सरकार वोटिंग में बनेगा, और रिपब्लिक भी वही होता है, ठीक है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स, और जितना भी नागरिक है उनको क्या वोट मिलेगा इंडिया में, जस्टिस, न्याय, लिबर्टी, आजादी, न्याय किसका, सामाजिक न्याय, पैसे का न्याय और पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय। लिबर्टी, आजादी किस चीज की, सोचने की, बोलने की, अपने रिलीज धर्म की और पूजा की, कुछ भी यानी आप धर्म मान सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। उसके बाद क्या, इक्वालिटी, समानता यानी सबको समान चांस मिलना चाहिए, सब बराबर है, और फाइनली की फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा बढ़ाएगा, ब्रदरहुड बढ़ाएगा, जितना भी इंडिया का नागरिक है सब भाई भाई है, ठीक है। तो बेसिकली वही ये फाउंडिंग आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे, कि चार चीजें बोला है, क्या क्या, न्याय, आजादी, समानता, इक्वालिटी और भाईचारा, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, है ना, ठीक है, बहुत अच्छा सा आइडिया है ना। तो बेसिकली ये सिस्टम ये था कि इंडिया के जितना भी जो कानून सरकार बनेगा वो इन चीज की, इन चार चीजों को मानेगा। आपको लगता है माना है इंडिया ने? हाँ, नहीं, लोग का नहीं बात हो रहा है, सरकार का बात हो रहा है, सरकार माने ये सब चीजें, मानता है, हाँ सर, ये मानता है, कभी बार कभी बार नहीं मानता है ना। तो बेसिकली कानून का आप हमेशा ये देखोगे, कानून लिखा हुआ हमारा बहुत अच्छा है, ऑन पेपर बोलते हैं, ऑन पेपर यानी कि जो कानून लिखा हुआ है असल में, लेकिन जो असल में होता है इन प्रैक्टिस। जैसे ऑन पेपर क्या है, कानून क्या है, कि अगर मान लो आपने किसी का, मैंने किसी का मर्डर किया है तो क्या होगा, मुझे या तो फांसी चढ़ेगा या फिर 14 साल का लाइफ उम्र कैद होगा, ठीक है। लेकिन ये तो कानून लिखा हुआ है, ये कानून है ना, लेकिन इन प्रैक्टिस असलियत में क्या होता है, मेरा वकील आएगा, बोलेगा तुम एक साल के लिए अपना गांव में छुप जाओ, मैं तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, खत्म, समझ रहे, हाँ होता है ये सब चीजें। मेरा वकील जाएगा कोर्ट में, बोलेगा हाँ वो ईशान तो मर गया है, अब क्या, आप खत्म कीजिए केस, केस बंद हो गया और मैं गांव में बैठा हूँ, एक साल बाद वापस आ जाऊंगा। अरे पुलिस को थोड़ा पैसा खिला दो, करप्शन जो होता है यही होता है, ठीक है, पुलिस को 10,000 रुपए देगा वो भी खुश है। अभी अगर मैं यहाँ पकड़ा गया, मेरे पास चाहे कितना ड्रग्स, सोना वगैरह, पूरा स्मगलिंग का सामान होगा, उसमें से मैं बोलूंगा ठीक है इतना हिस्सा आप पुलिस रख लो, हो गया काम। तो यही बहुत डिफरेंस है, ठीक है, ऑन पेपर कानून वगैरह सब है हमारे पास, लेकिन
इन प्रैक्टिस बहुत अलग होता है, जैसे तो आपको बड़ा हो आपको खुद को पता लगेगा। सरकार ही आप देखो ना कितना ये रोड कितने टाइम से नहीं बनाया, 1 ईयर से ज्यादा ही हो गया मैं देख रहा हूँ, है ना, क्यों नहीं बन रहा है? आपको क्या लगता है सरकार से पैसा नहीं आया यहाँ पे तो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सरकार वहां से जब पीएम या कहां से या सीएम नवीन पटनायक जी से वहां से पैसा अगर आ रहा है तो बीच में 100 लोग और बैठा हुआ है, सरकारी बाबू बैठा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर बैठा हुआ है, लेबर बैठा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है किसी को नहीं पता, है ना। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, कानून के बारे में आप गौर करें। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अभी 2-3 बात और है। कानून भी कई तरह का होता है ना, एक नेचुरल लॉ है, एक सोशल लॉ है और एक गवर्नमेंट लॉ। क्या क्या हो, नेचुरल लॉ आपको क्या लगता है, प्राकृतिक कानून क्या क्या होगा? जैसे हाँ, तो कानून क्या होगा, जंगल में आग लगाना, नेचुरल लॉ बेसिकली कैसे कि यार मैं इंसान हूँ, तुम इंसान हो, मैं तुमको नहीं खून करूंगा, वो नेचुरल लॉ है ना, वो तो बेसिक कॉमन सेंस का बात है ना। फिर सामाजिक लॉ क्या आ जाता है, हाँ समाज का नियम आता है कि मैं नंगा नहीं घूमूंगा, मुझे नंगा घूमना अच्छा लगता है लेकिन मैं अगर समाज में बाहर घूम रहा हूँ रोड पे तो नंगा होकर नहीं घूमेगा ना, सामाजिक लॉ है ना, ठीक है। और फाइनली गवर्नमेंट लॉ, गवर्नमेंट लॉ ये सब है जो हम बात कर रहे हैं, क्या जी, अगर ये करोगे तो पनिशमेंट मिलेगा, सरकार इस तरह से होगी, वोटिंग इस तरह से होगा, ये सब गवर्नमेंट लॉ, ठीक है। अब लॉ का हम थोड़ा बात कर रहे हैं कि शुरुआत कैसे हुआ है ना ये सब का, अराउंड 2300 BC, यानी कुछ 4000 साल पहले सबसे पहले हमको एक इराक, जो भी मॉडर्न देश है इराक, वहां पे हमको पहला कानून का कुछ कुछ लिखा हुआ मिला, जिसमें टैक्स कैसे देते हैं, नागरिक का सुरक्षा कैसे होगा और पनिशमेंट क्या होगा गलत काम का, तो वो सब लिखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर एक अराउंड 1754 BC में मेसोपोटामिया का बात किया था ना, मेसोपोटामिया में एक बहुत बड़ा पत्थर का एक टैबलेट मिला जिसपे कानून लिखे हुए थे, किसके कानून थे वो, हमुराबी, एक राजा था वहां का हमुराबी, उसने एक कानून अपना कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का बनाया था, तो आपको मैं वो दिखाता हूँ फोटो किस तरह का है। वैसे कई है जैसे मनुस्मृति इंडिया में अराउंड 300 BC मनुस्मृति, 10 कमांडमेंट्स, बाइबल में आपने पढ़ा हो, बाइबल क्रिश्चियन लोग यहाँ पे अगर 10 कमांडमेंट्स है ना, मोसेस था ना, एक मोसेस क्या किया था, 10 कमांडमेंट्स किया था ना कि अपने पड़ोसी से उतना ही प्यार करो जिस तरह से आप अपना प्यार, बाइबल, हाँ ये सब है ना। तो वही अलग अलग तरह का कानून था, शुरुआत में क्या है कानून कहां से आता था, या तो धर्म से आता था, धार्मिक लोग धर्म से आ रहा था या फिर किसी राजा से आ रहा था, ठीक है। पेपर तो नहीं था ना उस समय, तो क्या है जितना भी 4000 साल पुराना है ये सब,
हमुराबी राजा था, उसने अपने कानून बनाए थे, कैसे पत्थर है उस पे लिख लिख के ना। लैंग्वेज है उसी का, ये मेसोपोटामिया तब का बहुत पुराना लगा, अभी ये लैंग्वेज नहीं कोई बोलता है, पुराना लैंग्वेज। ठीक है, पत्थर में जैसे जैसे मूर्ति कैसे बनाते हैं, हथौड़ा होता है और एक वो चिन्ह होता है। हां ठीक है, वैसे कि ग्रीस में भी कानून पे बात होने लग गया, अरिस्टोटल नाम सुना है अरिस्टोटल, हां अरिस्टोटल ने संविधान ये सब के बारे में बात किया। वहां यहां इंडिया में अराउंड 300 बीसी में क्या कौन राजा काम कर रहा था, अशोका, अशोक है ना, अशोक सम्राट, तो उसने भी इसी तरह का अपना कानून लिख के था जगह जगह पे। अशोका पिलर ये सब के बारे में आप पढ़े होंगे शायद, इसका भी आप तो वो भी देखो अपना पत्थर में ऐसा ऐसा अपना कानून ये सब धर्म के बारे में लिखा था, दिख रहा है ये लैंग्वेज, ये है प्राकृत, ये सब का मिक्स है, पाली प्राकृत पुराना भाषा है जो बुद्धिस्ट लैंग्वेज है। हाँ अशोक सम, हाँ एकदम, उड़ीसा में भी है कई कई जगह पे, ये देखो उस पे लिखा हुआ है ना अशोक सम पे, तो कानून लिखा हुआ है इसमें बेसिकली उस समय का अपना, और ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ ये अशोक के वो लगे, कहाँ कहाँ है देखिए आप, पाकिस्तान में है, यूपी में है, दिल्ली मेरठ यूपी, उड़ीसा में है, आंध्रा में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, हर जगह है ना, अशोक अशोक अपना यानी कानून ये सब लिखा है ना। ठीक है, तो ये तो पुराना सिस्टम था, धीरे धीरे राजाओं का कानून से हम लोग मॉडर्न कानून पे कैसे पहुंचे, इसका नाम सुने मैग्ना कार्टा। अच्छा, तो इसको मानते हैं कि ये जो धीरे धीरे पहले क्या था राजा वाला सिस्टम था ना, राजा वाला सिस्टम से धीरे धीरे मॉडर्न इलेक्शन वाले सिस्टम में हम कुछ लोगों का मानना है कि इस डॉक्यूमेंट की वजह से आया था। ये डॉक्यूमेंट बेसिकली क्या था, हम 1200 एडी में इंग्लैंड का जो राजा था वो अपने प्रजा और जो नोबल्स जो उसके जो क्या मंत्री ये लोग के साथ एक अग्रीमेंट था उसका, जिससे उसकी ताकत को थोड़ा कम कम करने लग गया। पहले क्या राजा का एब्सोल्यूट पावर था, राजा कुछ भी कर सकता था, राजा आपका जमीन ले सकता है, आके आपका बीवी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। धीरे धीरे क्या हो गया, मैग्ना कार्टा जैसे अग्रीमेंट की वजह से उनका धीरे धीरे पावर कम होने लग गया, कि राजा को बोला कि तुम ऐसी किसी के वो नहीं कर सकते हो उसके बारे में, यानी पहले आपको केस करना पड़ेगा अगर आपको कुछ लगता है गलत, ऐसी किसी को नहीं खत्म कर सकता ना, पहले केस होगा, पहले क्या बोलते हैं कोर्ट टाइप का होगा तब जाके, नहीं तो पहले राजा क्या है आप बोलेगा इसको मुझे इसका शक्ल अच्छा नहीं लग रहा है इसको मार डालो, है ना। अब धीरे धीरे यहाँ से ये सब सिस्टम बदलने लग गया। ठीक है, उसके बाद अराउंड क्या है 18th सेंचुरी यानी अराउंड 1700 एडी में कई फिलोसफर आए, जैसे क्या है रोसो, वोल्टेयर, एडम स्मिथ, फ्रांस में हो रहा था ये सब, फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली क्या हुआ था, जो राजा था राजा को हटा के लोगों ने अपना सरकार बनाया है ना, तो इसी में यहीं से जो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो मॉडर्न आइडिया जो स्टेट का इलेक्शन का डेमोक्रेसी का वो सब यहीं से आया था। ठीक है, क्या बोलते हैं इस टाइम को 1700 एडी एज ऑफ एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट माने एनलाइटनमेंट का मतलब देखना। ठीक है, डिक्शनरी में कर एज ऑफ एनलाइटनमेंट, ये बार बार अगर आप अभी आगे हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा आर्ट्स में तो एज ऑफ एनलाइटनमेंट बार बार आप लोगों के पास आएगा दिमाग में। ठीक है, और फाइनली फिर क्या है धीरे धीरे 1765 से लेकर 83 में क्या हुआ था अमेरिकन रेवोल्यूशन, क्या हुआ जैसे हम लोगों का लड़ाई हुआ था ब्रिटिश के साथ वैसे ही अमेरिका लोग लड़े थे, क्योंकि अमेरिका भी पहले ब्रिटिश के अंडर था ना, तो 1765-82 में ये लोग ब्रिटिश से अलग हो गया अमेरिकन रेवोल्यूशन पर, और फाइनली अमेरिका ने अपना
मॉडर्न संविधान बना है 1788 में, ठीक है, अराउंड कितना 150 साल पहले हमसे। तो यहां से धीरे धीरे हम देखते हैं कि राजाओं के सिस्टम से, इंग्लैंड का राजा है जैसे, वहां से धीरे धीरे हम मॉडर्न डेमोक्रेसी पे कैसे पहुंचे, ठीक है। तो बहुत टाइम लगा ये सब होने में। पहले आप सोच रहे राजा के सिस्टम में जीना कैसा है, अगर आप राजा है तब तो आप कुछ भी कर सकते, तब तो मजा है ना, लेकिन अगर आप राजा नहीं है तो हाँ कुछ भी कर सकता है ना राजा। तो इसीलिए यानी ये जो सिस्टम अभी हम जी रहे हैं बहुत इसमें टाइम लगा, यानी चलता नहीं वो अलग बात है, लेकिन अच्छा लास्ट बात उसके बाद हम खत्म करें, इक्वालिटी पे आते हैं फाइनली, ठीक है। इक्वालिटी पे थोड़ा बात करेगा वो फिर नेक्स्ट उसपे। फंडामेंटल राइट्स पता है ना, कुछ कुछ हमारे संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिए हैं, क्या क्या है वो, समानता, इक्वालिटी और हाँ फ्रीडम, आजादी, धर्म का आजादी, एक्सप्लॉयटेशन कोई आपको यानी तंग नहीं कर सकता है फालतू में, और फाइनली क्या कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर ये इनमें से कुछ अधिकार आपको नहीं मिल रहे तो क्या कर सकता है, हाँ सरकार से, संविधान से, वो कोर्ट में जाके या पुलिस से जाके आप मदद ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यानी इक्वालिटी जो है, समानता, वो एक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, हमसे कोई छीन नहीं सकता है ना। अगेन ऑन पेपर यानी लिखा हुआ है, मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर यहां से सोचो कल को नवीन पटनायक इस रोड से जा रहा है क्या होगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, तुम लोगों को बाहर नहीं निकलने देगा रोड पे, है ना, वो वीआईपी आते बोले तुम्हें मार देगा उसको या फिर कोई टेररिस्ट आके कुछ, वैसे नहीं, जैसे बहुत जगन्नाथ मंदिर वहां पे आपको जाना है, खूब लंबा लाइन है, कोई वहां पे आ जाते हैं नवीन पटनायक भी छोड़ो, शाहरुख खान आ जाता है, हो सकता है उसको पूरा एकदम आगे पहुंच जा देगा ना लाइन के, हो सकता है आगे छोड़ देगा, नहीं छोड़े वो तो अच्छी बात है क्योंकि हर कोई मंदिर देगा छोड़ देगा, हाँ सलमान खान ने बोले हाँ नहीं नहीं सर आप आगे जाओ, आप तो कैसे बैठे रहेगा वहां पे, है ना। तो वही इक्वालिटी ऑन पेपर होता है, ऑन और प्रैक्टिस, ऑन पेपर सब बराबर है लेकिन इन प्रैक्टिस क्या है, पैसा आ जाता है, पावर आ जाता है, ये सब मशीन है, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़ा होगा ये सब और समझेगा आप कैसे चलता है, ठीक है। तो फिलहाल हम इक्वालिटी का बात कर रहे हैं। तो इंडिया में क्या है, बहुत गरीब लोग भी है, बहुत पैसे वाला लोग भी है, तो सरकार ने अपनी तरह से कुछ कुछ कोशिश किया है कि लोगों को बराबरी पे लाने का, जैसे रिजर्वेशन कोटा, रिजर्वेशन जानते हैं ना, और बीपीएल, ये सब जो लोग गरीब है उनको मदद, बीपीएल, और क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म मान सकते हैं आप, और क्या है जैसे अगर आप गरीब हैं आपको कुछ मदद चाहिए काम करने के लिए तो सरकार आपको सपोर्ट करती है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक बहुत अच्छा एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट सुना है इसके बारे में, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट जंगल, फॉरेस्ट का अधिकार। तो बेसिकली क्या है, जो बार बार जो ट्राइबल या फिर आदिवासी लोग जो बोलता है बार बार, वो क्या है, शुरुआत में वो लोग जंगलों के आसपास रह के आ रहे हैं ना, बहुत सिंपल चीज है। अब धीरे धीरे जब ब्रिटिश लोग आए क्या हो गया, उनको चाहिए था लकड़ी, ट्रेन ये सब चलाने किस चीज से चलता है, कोल कोयला से चलता है, कोयला या तो जलाने के लिए कुछ चाहिए ना, फ्यूल व्यूल हर जगह क्या लकड़ी चाहिए। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि ये सब जंगल हमारे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ पे नहीं है। जो लोग हजारों साल से जंगलों में रह रहे थे उनका लकड़ी ले रहा था, जानवरों के साथ काम कर रहा था, वो सब एकदम से इलीगल बोल दिया कि कल से आप यहाँ लकड़ी नहीं काट सकते। तो अब धीरे धीरे रिसेंटली फिर क्या है, इंडिया में भी वही सिस्टम चला, आजादी के बाद भी वही सिस्टम काफी टाइम चला, लेकिन फिर 2006 या 7 में ये एक नया कानून आया जिसके हिसाब से जो लोकल आदिवासी पॉपुलेशन है वो लोग अभी भी जाके फॉरेस्ट से अपना काम ले सकता है, जंगल जाके पेड़ अपना ले सकता है, वो सब कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई कानून रहे हैं। अनटचेबिलिटी क्या होता है,
छूट छूट को पहले वो था ना कि दलित कास्ट सिस्टम छू नहीं सकता है ना, वो चीज सरकार बैन कर दिया है ना, पता है ना आपको। लेकिन अब ये फिर से एक और बात ये देखिए आप, अनटचेबिलिटी क्या है, हम सब इंसान है ना, लेकिन क्योंकि धर्म के नाम पे हम लोग बोलते हैं कि नहीं कुछ लोग हमसे कम है उनको हम छुएगा नहीं, ठीक है। हाँ वो चीज क्या है, बैन हो गया है लॉ ने फिर से, ऑन पेपर क्या है, बैन है। अगर आप किसी के साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेट करते हैं, छुआ वाला बात करते हैं, तो आपको जेल में जा सकते हैं उस चीज के लिए ऑन पेपर। लेकिन प्रैक्टिस में क्या है, अभी भी होता है इंडिया में, होता है गाँव में खासकर होता है ना, शायद आपने देखा होगा इधर उधर कहीं, मेरे गाँव में भी होता है ये सब, ठीक है। तो और वही बार बार मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, ऑन पेपर ऑन प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। मतलब क्या हुआ इसका, कि कानून या जो भी चीज लिखा जो है वो एक है, लेकिन असल में क्या हो रहा है वो अलग हो रहा है, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक ये चीज आपको तो वही एक, ये देखिए इससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इक्वालिटी और इक्विटी, इन दो डिफरेंस आप ही समझाओ, आप लोग क्या बताना चाहते हैं, जो जिस भी आदमी ने ये फोटो बनाया है वो क्या बता रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इन दो चित्रों। तीन लड़का है ना, एक लंबा है, एक मीडियम हाइट का, एक छोटा हाइट है ना। अब तीनों के पास ये इक्वालिटी है, अभी बस इस फोटो को देखो, ये वाला भूल जाओ, इक्वालिटी तो है ना, तीनों के पास एक एक डब्बा है, इक्वालिटी है। लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये मैच देख सकता है आराम से, ये भी देख रहा है, ये मैच देख ही नहीं सकता है ना। अब अगर असल इक्वालिटी आपको, असल इक्विटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ये बंदा लंबा इसको जरूरत नहीं है, इसने अपना इसको दे दिया, इसको एक का जरूरत है ना, ये हटा देगा तो नहीं देख पाएगा, तो ये पहले जैसा है मिडिल वाला। लेकिन जिसके पास हाइट है उसको वो दो दे दिया ताकि अब तीनों बैठ के मैच देख सकता है ना। यही बहुत सिंपल सिस्टम है एससी एसटी ओबीसी जो कोटा सिस्टम, ठीक है। इसमें अगर आप इसको जनरल मान लो, इसको एससी, इसको ओबीसी मान लो, इसको एससी एसटी है ना, तो बेसिकली क्या है, किसी लोगों के पास शुरुआत से बहुत पैसा रहा है, एजुकेशन रहा है, कल्चर रहा है, तो इसलिए वो लोग आगे रहे हैं, पावरफुल रहे सोसाइटी में। कुछ लोग जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए या शेड्यूल ट्राइब रहे, उनको या तो दबाया गया है बहुत समय से, या फिर वो लोग बिल्कुल हमेशा पिछड़े रहे हैं, क्योंकि रोड नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये सब वो जंगलों में रहे या पहाड़ों में रहे, तो इसलिए वो लोग पीछे रह गए। तो इसलिए सरकार चाहती कि वो सब आगे बराबरी पे आए, तो क्या कर रही है, उनको सपोर्ट कर रही है। कैसे सपोर्ट करती है, पैसे के थ्रू, रिजर्वेशन के थ्रू, यानी कॉलेजेस में सीट रिजर्व होगा, जॉब में सीट रिजर्व होगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, ये चीज क्लियर है ना आपको, क्या हो रहा है यहाँ पे, इस बंदे को जरूरत नहीं है तो इसका वाला डब्बा इसको दे दिया है ना, ताकि ये असल इक्वालिटी, ये भी इक्वालिटी है, समझ रहे ना, इक्वालिटी तो है ना, ये तीनों के पास एक एक डब्बा है। अब वही बात होगी, जैसे कल को राहुल गांधी है, राहुल गांधी का फादर कौन था, राजीव गांधी, उसका फादर कौन था, हाँ उसकी मदर इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी का फादर कौन, नेहरू, नेहरू कौन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उसकी बेटी फिर से प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद उसकी बेटी का बेटा राजीव गांधी फिर प्राइम मिनिस्टर। तो अब राहुल गांधी को अगर आप कल को बोलेंगे कि हमारे साथ, और हम लोग क्या है, मेरा फादर, अब जैसे मेरा फादर एजुकेटेड है, लेकिन उनसे पहले मेरा ग्रैंडफादर कभी स्कूल नहीं गया, कभी कुछ नहीं गया, ठीक है, मेरा फादर स्कूल गया, कॉलेज गया, तो मैं आपके सामने। अब आप लोग जैसे फर्स्ट जनरेशन है, शायद आपके पेरेंट्स स्कूल में एजुकेटेड शायद नहीं है ज्यादा, है ना, तो ये अंदर है। अब कल को हम तीनों को एक जगह, राहुल गांधी मुझे और आपको एक जगह खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि कॉम्पिटिशन करो आप लोग, चाहे पैसे का हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे जो भी है ना, मुश्किल है ना, क्योंकि वो बंदा शुरुआत से, भाई आप समझ रहे ना, नेहरू के फैमिली से आया है, अब शुरुआत से पैसा रहा है, शुरुआत से खूब पढ़ाई पे, बस पैसा ही नहीं होता सब कुछ, कल्चर संस्कृति पढ़ाई शुरुआत से है ना, वो चीज रहा है, पावर रहा है, और वहां से मैं हूँ जिसमें, ठीक है बीच में फादर ने किया है तो मैं बीच में गई हूँ,
कंपटीशन नहीं हो सकता ना ऐसे में, समझ रहा? तो इसीलिए क्या है, जो लोग पिछड़े हैं उनको थोड़ा सपोर्ट मिलता है सरकार से, कि राहुल गांधी को हम बोलेंगे कि अगर जैसे एक टेस्ट है जिसमें 10 सवाल आंसर करना है, अब राहुल गांधी को बोलेंगे कि आपको 10 क्वेश्चन, अगर आपने हर क्वेश्चन का बस एक ही मार्क मिलेगा, मुझे बोलेंगे कि शायद आप 8 क्वेश्चन कर लो, कर लो, आपको बोलेगा कि आप 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसमें आपका हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है? तो यही सरकार का सिस्टम है, ठीक है? ये क्लियर है ये चीज, ठीक है? तो अभी अगला क्लास में हम ये सब यही बात करेंगे, एक एक दो स्टेटिस्टिक्स करते हैं उसके बाद खत्म, ठीक है? तो वही वही जनरल और हिंदू का आप जो जनरल है वो लोग वही है जो शहरों में रहे हैं, एजुकेशन मिला है, पावर मिला है, सब कुछ रहा है नॉर्मल, ठीक है? और नॉन हिंदू, इंडिया क्या है, हिंदू राष्ट्र है ना, मेजोरिटी हिंदू का है, तो जितना भी बाकी जो रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, वो सब को क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। तो जो भी नॉन जनरल कास्ट यानी कि एससी एसटी ओबीसी या फिर नॉन जो हिंदू नहीं है यानी मुस्लिम क्रिश्चियन, वो सबको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। दो शब्द का मतलब देखना कर, ठीक है? माइनॉरिटी और क्या बोला था, एनलाइटनमेंट, दो शब्द याद से पूरा मीनिंग देखना, ठीक है? हाँ, अब कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे कि जो जनरल कास्ट वाला है, जो बच्चा लोग बोलेगा कि आप लोगों को क्यों मिले रिजर्वेशन, है ना, क्यों मिलना चाहिए? इंडिया का पॉपुलेशन अराउंड 1.5 मिलियन है, ठीक है? उसमें से एससी पॉपुलेशन अराउंड 16-17% है एससी, ठीक है? एसटी का पॉपुलेशन अराउंड 9% और ओबीसी का पॉपुलेशन है अराउंड, ये सब क्या है, एससी एग्जैक्टली क्या है, एसटी क्या है, ओबीसी क्या है, वो अगले क्लास में बात करेगा, ठीक है? ओबीसी का पॉपुलेशन है 41%, लेकिन उनको रिजर्वेशन कितना मिलता है 100% में से, एससी को मिलता है 15, एसटी को मिलता है 7.5 और इनको ओबीसी को 27। पॉपुलेशन टोटल इनका कितना हुआ, 17 + 9 67% है ना? तो यानी कि बेसिकली क्या बोल रहा है, जनरल पॉपुलेशन बस 33% है ना, टोटल इंडिया में एससी एसटी ओबीसी मिला के 67%, लेकिन रिजर्वेशन कितना मिल रहा है अराउंड 49%, 49.5 है ना? तो क्या सही में गलत है क्या जा रही है? देखो आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं, जनरल पॉपुलेशन कितना है 33%, उनके लिए सीट्स कितना है 50%, ठीक है? तो मैं ये बोलूं कि इतना भी गलत नहीं है ये चीज, है ना? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, 17% 15% रिजर्वेशन, यानी कि बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक कॉलेज में 100 सीट है, एक कॉलेज में 100 सीट है, तो एससी लोगों के लिए कितना सीट होगा, 15, 7-8 सीट होगा एसटी के लिए 27, तो यानी कि 50 सीट्स एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्व है और 50 सीट्स जनरल के लिए, लेकिन पॉपुलेशन क्या है, जनरल का इंडिया में पॉपुलेशन बस 33% है, एससी एसटी ओबीसी मिला के 67% है। प्रॉब्लम रिजर्वेशन में कब आ जाते हैं कि आप जैसे देखिए एक ही परिवार उसका फायदा उठा दे रहे हैं, समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हो? जैसे मेरा फादर है, रिजर्वेशन का फायदा उठा के वो पढ़ाई कर लिए, अच्छा नौकरी लग गए, उसके बाद मुझे पढ़ा लिया अच्छे से शहर में। अब अगर मैं भी रिजर्वेशन लेता रहा, उसके बाद मेरा भी बच्चा रिजर्वेशन लेते रहे, तो फिर तो मैं जनरल जैसा हो गया ना, मैं ही फायदा उठाते रहूंगा, जो आसपास जो लोग जिनको फायदा वो मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, समझ रहे ना आप? यही प्रॉब्लम हो रहा है रिजर्वेशन के साथ। एक बंदा यहाँ से आपके जैसे मान लो कल दशरथी, तुम खूब पढ़ाई मेहनत करके निकल जाता अपने गांव से, सिविल सर्विस का एग्जाम देता, आईएएस बन जाता, ठीक है? उसके बाद तो तुमको रिजर्वेशन का जरूरत नहीं है ना, समझ रहे? तुम सिविल सर्वेंट आईएएस तुम बन गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन गया, उसके बाद तुम अपना बच्चा पैदा करता है, तुम्हारे बच्चे को तुम सबसे अच्छा स्कूल में भुवनेश्वर में प्राइवेट स्कूल में डालता है, सबसे अच्छा कॉलेज में भेजता है दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं पे, लेकिन उसको भी कोटा मिलेगा, वहां पे प्रॉब्लम है, समझ रहे क्या बोल रहा है ना? उससे क्या होगा, जो आपके गांव में जो बाकी लोग हैं जिनको नहीं है कोटा, वो लोग वहीं का वहीं रह जाएगा, बस आपका एक फैमिली ही आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है? ये सब तो और बात में डिटेल बात करेगा।
तो बात क्या है, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लेवल क्या है, ये सब एससी एसटी ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, लेवल संविधान के द्वारा ये सब लेवल दिया गया है, इससे आपका आइडेंटिटी मार्क है, और ये सब किससे आ रहा है, जन्म से मिला ना आपको, कोई चॉइस तो नहीं है कि मैं एससी बनूंगा, मैं एसटी बनूंगा, मैं जनरल बनूंगा, ये सब क्या है, जन्म से मिला है, यानी किस्मत का बात है, तो ना इस पे आपको कुछ शर्म का बात है, ना कुछ प्राउड होने का बात है, ठीक है, ये इस पे और डिटेल में बात करेंगे हम कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हुआ है, यानी कई जनरेशन से आप देख रहे हैं, अगर कोई जो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है उसका चलते रहेगा, एजुकेशन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, खूब अच्छे से हर कोई नमस्ते करता है, उस तरह से जी रहे हो, अब वहां पे दूसरी तरह से कोई दलित है या आदिवासी पॉपुलेशन है, उनको एजुकेशन नहीं मिला है, कोने में रहा है, तो ऑब्वियसली वो लोग पिछड़ा रहेगा, है ना, टाइम का बात है, कुछ हजार साल पहले सब एक जैसे, 2,000 नहीं 5,000 साल पहले सब ट्राइबल था, सब ट्राइब में ही रहता था, धीरे धीरे आपने देखा कि जो प्लेन्स में जो नदियों के पास रहते थे वो लोग, उनका क्या हुआ, धीरे धीरे शहर बनाने लगे और सिविलाइजेशन सभ्य हो गया, जो सभ्यता होता है ना, जो लोग जंगल में रहता था, पहाड़ों में रहता था, वो लोग पीछे रह गए, क्योंकि वहां पे सुविधाएं नहीं पहुंची, है ना, तो ये बहुत सिंपल चीज है, इसमें बस टाइम का बात है, इसमें ना आपको शर्म आनी चाहिए, ना कुछ इसमें प्राउड होने का बात है, और क्या है, हाँ लास्ट एक स्टैटिस्टिक देता हूँ कि एससी इंडिया में अभी 1,008 कास्ट है 29 स्टेट्स में, सबसे ज्यादा है 29, सबसे ज्यादा पंजाब और बंगाल में एससी का बात है, पंजाब एंड बंगाल और अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है मिजोरम ये सब में, वहां पे ऑलमोस्ट 0% है, ठीक है, एससी पॉपुलेशन, एसटी पॉपुलेशन 744 ट्राइब्स अक्रॉस 22 स्टेट्स, सबसे ज्यादा फिर से उल्टा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा कहाँ पर है, नहीं नॉर्थ ईस्ट और आइलैंड्स लक्षद्वीप अंडमान में ट्राइब सबसे ज्यादा वहां पर है, और पंजाब और हरियाणा में ट्राइब नहीं है, ठीक है, और ओबीसी क्या होता है, ओबीसी बेसिकली जो लोग वही सामाजिक या फिर आर्थिक समझता है ना, पैसा, सामाजिक आर्थिक या फिर एजुकेशनल उस चीजों से पीछे रह गए उनको ओबीसी बोलता है, ठीक है, एससी एसटी पे हम और डिटेल में बात करेगा अगले क्लास में कि एग्जैक्टली होता क्या है, अभी आप लोगों को पता है क्या होता है, एससी क्या होता है, शेड्यूल कास्ट है क्या जी, मतलब क्या है शेड्यूल ट्राइब, क्या है सबसे क्या ट्राइब या कास्ट दोनों सेम है क्या, तो क्या है फिर बताइए, जब से मैं स्कूल में आया हूँ हमेशा ट्राइबल ये वो सुनते जा रहा हूँ, तो आप लोगों को नहीं, आपने कभी पूछा नहीं किसी ने होता क्या है, ठीक है अगले क्लास में बात करें, ठीक है, मंडे या तो मंडे या फिर कल भी कर सकते हैं, मंडे करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि जब से मैं स्कूल में आप हमको बोलते रहते हैं ये चीज, आप लोगों को पता होना चाहिए है क्या इसका मतलब क्या है, ठीक है, अभी भी आप लोगों को कोई कोई चीज बार बार बोल रहा है तो उसका मतलब पूछ लेना चाहिए, है ना, ठीक है।